हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं हम UPPCS। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, प्री का पेपर है 15/12/2019, मतलब 15 दिसंबर 2019 को, और अगस्त सितंबर तक फॉर्म डालने लगेंगे। तो चलिए इसके नॉर्म सामान्य जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस, लिखित में, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें काम की जो बात है वो देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में पहले 2 पेपर सामान्य अध्ययन के होते थे, अब 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होंगे, GS 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा। इसके टोटल मार्क्स रहेंगे चारों पेपर के 800 मार्क्स। हिंदी और निबंध के पेपर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसके अंक यथावत 150-150 नंबर के 150-150 ही रहेंगे। इसी तरह मेंस परीक्षा में अब तक 2 वैकल्पिक विषय होते थे, लेकिन PCS 2018 परीक्षा में मेंस में 1 वैकल्पिक विषय होगा रहेगा। अभी तक 2 वैकल्पिक पेपर के मार्क 400+400 रहते थे, अब 1 विकल्प विषय का ही चयन करना है, तो वैकल्पिक विषय का टोटल मार्क्स रहेगा 400 ओनली, 400 नंबर का। इसके अलावा आयोग ने PCS के इंटरव्यू के टोटल नंबर में भी बदलाव किया है। पहले इंटरव्यू का टोटल मार्क्स होता था, नंबर होते थे 200, लेकिन 2018 की परीक्षा में इंटरव्यू का कुल मार्क्स हैं 100 ही रहे होगा। इस प्रकार चयन प्रक्रिया का टोटल मार्क्स देखा जाए तो कुल रहेगा 1600 मार्क्स, 800 GS के, 300 निबंध और हिंदी के, 400 ऑप्शनल पेपर के, 100 इंटरव्यू के। ठीक है, सिलेबस के नए बदलाव में सहायक वन रक्षक का पद पहली बार UPPCS में शामिल किया गया। यही होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का हम सिलेबस लेते हैं, इसमें के बारे में जान लेते हैं। और इसमें 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय, जो आपको बता दें, जो पहला पेपर जो प्रीलिम्स का होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा का, वो 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे का टाइम टाइम मिलेगा इसके लिए, कुल सवाल होंगे 150। इसका सिलेबस देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की सामाजिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, और फिर इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति व शासन, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अब दूसरा पेपर देख लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का। इसमें भी 200 नंबर का रहता है, कुल 2 घंटे का समय मिलता है, कुल सवाल रहते हैं 100। इसका सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्केल देख लेना, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, ठीक है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप इसे। इसमें बता दें 33% नंबर चाहिए होते हैं इसे क्वालिफाई करने होता है, और जो मेंस परीक्षा में बैठते हैं वो प्रथम पेपर के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर बैठते हैं। इसमें 33% नंबर मिल गए, पास हो जाओ। ठीक, अब बात करते हैं मेंस की, UPPCS मेंस। इसमें सामान्य अध्ययन जो पेपर फर्स्ट है ये 200 नंबर का, दूसरा जो सामान्य अध्ययन है 200 नंबर का, तीसरा जो पेपर है सामान्य अध्ययन का वो 200 नंबर का, और सामान्य अध्ययन पेपर 4 ये भी 200 नंबर का, सामान्य हिंदी 150 नंबर, निबंध 150 नंबर। आपको बता दें यूपी जो जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट है, मेंस में की बात कर रहा हूँ, ये 200 नंबर का रहता है, 3 घंटे समय मिलता है इसके लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा सिलेबस, ठीक, कहीं से भी डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना।
जो सेकंड पेपर है ये भी 200 नंबर का रहता है, 3 घंटे समय मिलता है इसके लिए। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, ये इसका सिलेबस है। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 3 जनरल स्टडीज का, ये भी 200 नंबर का रहता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, ये देख लेना सिलेबस अच्छे से। UPPCS जनरल स्टडीज 4, पेपर 4, ठीक है, ये भी 3 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल एथिक्स, ये अब आ गए निबंध पे, ये भी 3 घंटे का रहेगा, इस 50-50 अंकों का होगा। हिंदी की बात करें तो ये भी 3 घंटे का रहेगा। अब विकल्प विषय की बात कर लें तो एक विकल्प पेपर आपको चुनना है, और इन विकल्प ये विषय रहेंगे, इनमें से एक चुनना पड़ेगा। कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, देख लीजिए। इसमें 2 पेपर होंगे वैकल्पिक, जो ऑप्शनल लोगे आप, 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के। आपको यहाँ बता दें, किसी भी पेपर की तैयारी, UPPCS हो, IAS हो या और कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले 2 चीज़ें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, एक एग्जाम सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर। ओल्ड जितने पुराने पेपर हैं पूरे तुम एक बार देख लेना चाहिए। तो ये कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, UPPCS मेन साइट से या कहीं से भी। वो इसके पेपर भी हम लोग भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डाउनलोड भी करके अपने पास रखना। चलिए दोस्तों, तो ये थी सामान्य जानकारी UPPCS से संबंधित।